बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्वीट सौंफ माउथ फ्रेशनर की रेसिपी बनाएंगे। उसके लिए हम लेंगे 150 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम चारमगज, 50 ग्राम दाना, 50 ग्राम मिक्स सौंफ, 25 ग्राम मिश्री, 20 ग्राम नारियल, उसको बारीक काट लेंगे, 10 ग्राम तिल, 10 बादाम, बादाम को भी स्लाइसेस में काट लिया है, 10 ग्राम सिल्वर बॉल्स, 10 ग्राम गोल्डन बॉल्स और 5 खारक ले लेंगे, सूखी खारक, उसको भी बारीक टुकड़ों में काट लिया है। सौंफ, दाना, नारियल, तिल और बादाम को हम भून लेंगे। अभी गर्म हो चुका है, अब हम सौंफ को भूनेंगे। स्लो फ्लेम रखनी है। चमचा मसल से चलाते रहना है। अब सौंफ को अच्छी तरह भून लिया है, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। कलर भी चेंज हो गया है इसका। अब दाना डाल के इसको भी भून लेंगे। स्लो फ्लेम ही रखनी है और चमचे को मुसलसल चलाना है। अब दाने को भी भून लिया है, अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब तिल को भून लेंगे थोड़ा। तिल को भी भून लिया है, अब इसको भी प्लेट में निकाल लेंगे। अब बादाम और नारियल को एक साथ भून लेंगे। बादाम और नारियल को भी भून लिया है, अब इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। चार मगज को भी हल्का सा भून लेंगे ताकि ये भी क्रिस्पी हो जाए। चार मगज को भी हल्का सा भून लिया है, अब इसको भी निकाल लेंगे। सौंफ, दाना, चार मगज, तिल, बादाम और नारियल को अब अच्छी तरह ठंडा करने के लिए रख देंगे। सौंफ, नारियल और बादाम, तिल, चार मगज और दाना अच्छी तरह ठंडे हो चुके हैं, अब हम सारी चीजों को मिक्स करेंगे। तिल डालेंगे, चार मगज, दाना, मिक्स सौंफ, बादाम और नारियल, छुआरे, गोल्ड और सिल्वर बॉल्स।
सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। स्वीट सौंफ माउथ फ्रेशनर तैयार है, आप खाने के बाद सर्व कर सकते हैं। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप अपना फीडबैक कमेंट्स में बताएं और अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो इन लिंक्स पर क्लिक करें।